देखिए भगवान विष्णु तो 4 महीने के लिए सो गए, अब धरती के मालिक ही भोले बाबा है। इनकी जब शादी की बारात में देखा है, जितने नशेड़ी गंजेरी भंगेरी सांप बिच्छू शेर कौवे चीते सब जाते हैं इनकी बारात में, तो वही है। ये बड़ी धूम मस्ती है, हर साल मस्ती है। हम तो चाहते हैं भोले बाबा हर महीने आपका कैंप लगे और मैं इसी तरह सेवा करता रहूं। और यहाँ पे जूते चप्पल की सेवा करते थे पहले, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कैंप में कावड़ियों की सेवा करते हैं, खाना खिलाने से लेके पानी पिलाने तक। सुविधा के लिए हम रात दिन यहाँ 24 घंटे तत्पर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूँ आपके साथ काजल चौधरी। अभी हम मौजूद हैं दशरथपुरी के शनि मंदिर पर, प्राचीन मंदिर यहाँ पर ये माना जाता है। और जैसे कि आप जान सकते हैं कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ कांवड़ सेवा संघ द्वारा यहाँ पर कांवड़ियों के लिए कैंप आयोजन किया गया है। जिन लोगों ने यहाँ पर कैंप को आयोजन किया है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? सुरेश बिहारी जी। सर, ये जो कैंप यहाँ पर आयोजन किया गया है, किस मंतव्य से किया गया है? ये आज से नहीं हो रहा है, 17 साल हो गए। हमारे कांवड़ कैंप के अध्यक्ष हैं पवन सिंगल जी। ये जो टेंट देख रहे हैं सरकारी कैंप है, हमारा सिर्फ 3-3.5 लाख का खर्चा आता है, वो देते हैं पब्लिक प्लस पवन सिंगल जी। एक नाम है, पहला नाम है पवन सिंगल जी, मनीष सिंह जी, दिनेश पांडे जी, परवीन जिलोई, आशीष सिंह, प्लस हमारे रामलीला के प्रधान है सुनील सोलंकी। ये अपनी पूरी टीम भंडारा संभालते हैं। 5100 2100 21000 रुपये कहते हैं, जितना धनची ले लो जितना अंची ले लो, लेकिन कोई इस कैंप से भूखा नहीं जाता। इस कैंप से पवन सिंगल जी ने, प्रवीण जिलोई जी ने, आशीष सिंह ने, दिनेश पांडे ने, मनीष सिंह ने, पवन सिंगल ने बोल रखा किसी से दान नहीं मांगना। ये जो सुरेश बिहारी है, पिछले 17 सालों से सरकारी सुविधा मिल रही है। वैसे हमें सेवा करते करते 37 साल हो गए। मेरा काम है जूठे पत्तल उठाने, झाड़ू लगाने, कांवड़ियों को पानी पिलाने, मैं घूमता रहता हूँ। ये सेवा जो चल रही है कांवड़ियों के कैंप लगाना, कब से आप ये कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं? 37 सालों से कर रहे हैं, काफ़ी टाइम। हाँ जी, हाँ जी, बहुत पुराना कैंप है ये शनि मंदिर पे। सरकारी सुविधा हमें सिर्फ मिला है 17 सालों से। पहले हमें चंदा इकट्ठा करना पड़ता था, अब ये सरकारी सुविधा मिलने से बहुत हमें सुविधा मिल गई है। अब हमें किसी से दान मांगने की जरूरत ही नहीं है। सर, ये महादेव का पावन महीना चल रहा है सावन, क्यों इतना प्रिय है महादेव को और क्या इसका महत्व? देखिए भगवान विष्णु तो 4 महीने के लिए सो गए, अब धरती के मालिक ही भोले बाबा है। इनकी जब शादी की बारात में देखा है, जितने नशेड़ी गंजेरी भंगेरी सांप बिच्छू शेर कौवे चीते सब जाते हैं इनकी बारात में, तो वही है। ये बड़ी धूम मस्ती है, हर साल मस्ती है, और मुझे तो इतनी खुशी आती होती है। हम तो चाहते हैं भोले बाबा हर महीने आपका कैंप लगे और मैं इसी तरह सेवा करता रहूं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो कैंप लगा है यहाँ पे, क्या कुछ सुविधा है यहाँ पे जो कांवड़ियों को दी जाती है, कैसी किस तरीके से राहत उनको मिल सकती है? देखिए यहाँ पर सुविधाएं मैं जान समझ सकता हूँ, सारी जो मूल सुविधाएं होती है कांवड़ियों को ज़रूरत के हिसाब से सभी मिलती हैं। फर्स्ट एड भी मिलता है यहाँ पर, और स्नान की सुविधा, शौचालय की सुविधा, खान पान की सुविधा, टेंट की सुविधा, सभी सुविधाएं आप मुहैया करा रखी है हम बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संघ के बैनर नीचे, तो सभी यहां पर कोई ऐसी खासी दिक्कत नहीं होती कांवड़ियों को। जी, महादेव का प्रिय महीना चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए मैं तो सभी को यही कहूँगा, महादेव जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, और जो कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर के आते हैं उन पर भगवान प्रसन्न रहे और सभी के घरों में खुशहाली लाएं। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप जी, यहाँ पे जो कैंप लग रहा है, कैसे आपका योगदान है और कैसे आप कांवड़ियों को यहाँ पर हेल्प करते हैं? जी, हम तो बचपन से ही पापा के साथ ही लगे हुए हैं, और यहाँ पे जूते चप्पल की सेवा करते थे पहले, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कैंप में कांवड़ियों की सेवा करते हैं, खाना खिलाने से लेके पानी पिलाने तक। बाकी जितने भी यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह की सुविधा वगैरह हमें अब मिली है, वरना पहले हम ही देखते थे ये सब, तो बस बचपन से कर रहे हैं, अभी भी आगे भी करते आएंगे। क्या नाम है अंकल आपका? बलराज सिंह जी। आपसे जानना चाहूँगी, जो कैंप यहाँ पे लगा है कांवड़ियों के लिए, कैसे यहाँ पर जो है योगदान देते हैं आप उनकी सुविधा? सुविधा के लिए हम रात दिन यहाँ 24 घंटे तत्पर हैं, और हमारा एक ग्रुप है जो सभी कार्यकर्ता मिलकर
इस प्रोग्राम को कराते हैं और ये दिल्ली सरकार से पास है और इसमें हमें काफ़ी फैसिलिटी दिल्ली सरकार भी दे रही है और हम अपनी तरफ से भी तन मन धन से तैयार हैं। सावन महीने का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है ये पर्व? सावन महीने का महत्व क्या है, जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान शंकर ने जनता की भलाई के लिए, दुनिया की भलाई के लिए उस जहर को स्वयं पिया था और जब उनके शरीर में वो जहर दौड़ने लगा, अग्नि दौड़ने लगी, उसको ठंडा करने के लिए ये जल चढ़ाया जाता है और जिसको सिर्फ गंगा मैया ही शांत कर सकती है, बाकी के बस का नहीं है। यहाँ पे कांवड़ियों के लिए कैंप लगाया है उनकी सुविधाओं के लिए, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पे जो है कांवड़ियों को दी जाती है कैंप के द्वारा? इतने टाइम से ये कैंप चल रहा है, क्या कहना चाहिए? ये उनके लिए भोजन की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, लेटने की व्यवस्था एवं डॉक्टरी व्यवस्था, जो जो सुलभ शौचालय व्यवस्था, जो व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए वो हमारी कांवड़ सेवा संघ की ओर से मिलती। तो इसका देख रेख कौन करता है? ये देखने के लिए सारी जनता आती है, क्या हम अच्छा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, दानदाता देख रहे हैं, जो हम दान दे के जाते हैं उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारे देख। महादेव को प्रिय क्यों है ये सावन का जो महीना है, वो महादेव के लिए इतना खास क्यों माना जाता है? उसका जवाब अभी दिया ना हमारे बलराज जी ने, वही महत्वता है। वहाँ की लेडीज़ों के लिए अपने भाई की महत्वता है कि वो रक्षाबंधन के नाम से सावन के महीने में 4 महीने व्रत रह लेती हैं और उसके बाद जब रक्षाबंधन आता है तो वो अपने भाई की सच्चाई। तो यहाँ जो कैंप है इसकी पूरी देखभाल आपके हाथों में दी गई है, कैसा महसूस करते हैं यहाँ पर जब कांवड़िया? इस कैंप की देखभाल जो है वो आपने कहा वो आपका कहना उचित है, हमने हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा प्रयास कर दिया हो लेकिन सुरेश बिहारी जैसा शख्स नहीं होता तो ये कांवड़ का टेंट परमानेंट नहीं लगता। इसने अपना जीवन ही समाज सेवा में, जहाँ भी कोई भजन कीर्तन होता है वहाँ अपने पूरे परिवार को लेके चरण पादुका की सेवा करना, कांवड़ का विशाल कार्य करना, ये बहुत महानता का कार्य है। इस जैसे आदमी इस पृथ्वी पर कम होते हैं, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है लेकिन जो सुरेश बिहारी ने किया है वो कुछ कम ही लोग करते हैं और ये इनकी पूरे जीवन की ये संकल्प है कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा जब तक ये कार्य करता रहूँगा। भैरव बाबा के पुजारी हैं और सबसे प्रेम से रहते हैं, पूरी कॉलोनी में पूरे एरिया में नाम से इस आदमी को पहचानते हैं, सिर्फ इस वजह से कि ये भक्ति भाव का है।